Hello students, welcome to Jaideep sir's Maths Mania. In this video, we will understand about basics of polynomial in mathematics. In 10th standard, your second chapter is polynomial. The weightage of this chapter is 6 marks in Gujarat board. So now, we will start polynomial. First of all, what is the meaning of polynomial? Polynomial is an expression of one or more algebraic terms that contain different powers of the same variable. See, in this define, you know about three terms. First is term. First of all, what is the meaning of terms? So term kya hota hai? Term contains variable, coefficients and powers. Term mein variable bhi hote hai, coefficient bhi hota hai aur power bhi hota hai aur usse banta hai term. See, I wrote one example, 2x square माइनस 7x प्लस 5. इसमें जो 2x स्क्वायर 7x और जो 5 है वो है टर्म. यहाँ पे ये पॉलिनोमियल में तीन टर्म हमें दिए हुए हैं. उसके बाद आता है नेक्स्ट पावर. पावर क्या होता है? तो ये जो हमारा x के ऊपर जो यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी हुई है मैथमेटिकल डिजिट में, उसे हम बोलते हैं पावर. जैसे कि फर्स्ट टर्म का पावर है 2. इन सेकेंड टर्म यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब भी कुछ भी ना दिखाई दे और वेरिएबल हो तो उसका पावर होता है 1. इन थर्ड टर्म यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर होगा 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर होता है 0. उसके बाद आता है थर्ड टर्म वेरिएबल. वॉट इज वेरिएबल? इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग अल्फाबेटिकल वर्ड्स लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा. तो ये जो हम अल्फाबेटिकल वर्ड्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम वेरिएबल. नाउ वन बाय वन फिर से हम एक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स? सी, इन फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इन दिस एक्सप्रेशन देर आर 4 टर्म्स. फर्स्ट इज 4x^4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. तो सी, इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4. 1, 2, 3 and 4. नाउ सेम एज इन सेकेंड एग्जाम्पल, 1, 2, 3 and 4 टर्म्स आर देयर. सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट टर्म्स. देन सेकेंड वन, कोएफिशिएंट. मैंने आपको बोला जो हमारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उसके बाजू में जो हमें डिजिट दिया होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेटिकल वर्ड कौन सा है? एक्स. तो एक्स के बाजू में जो वैल्यू दी हुई है वो है 4. तो एक्स रेस टू 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4. सेम एज एक्स स्क्वायर के जो बाजू में डिजिट दिया हुआ है वो है 3. बट वेन एवर वी हैव गिवन माइनस साइन वी हैव टू कंसिडर इट. जब भी हमें माइनस साइन दिया हो तो हमें उसे कंसिडर करना है. जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 3 है, बट 3 कैसा है? माइनस. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? माइनस 3. देन एक्स का कोएफिशिएंट 4. और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात आएगी नहीं. उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 7, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4/5, बट यहाँ पे माइनस है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? -4/5. एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2. अगर प्लस है तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पावर एंड डिग्री. सबसे पहले डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री. जो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x square minus 7x plus 5. तो देखो फर्स्ट टर्म का पावर है 2, सेकेंड टर्म का पावर है 1 और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है. तो 1 और 2 में बड़ा डिजिट कौन सा हुआ? 2. तो ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री आएगा वो क्या होगा? 2. वैसे ही एक दो और एग्जांपल के से हम समझते हैं. सी, इन दिस पॉलिनोमियल 2x square minus 3x plus 5. मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्स्ट टर्म का पावर है 2, सेकेंड टर्म का पावर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या गिनेंगे? 1.
यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो पावर होगा जीरो, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ टू, तो उसकी डिग्री क्या होगी टू। वैसे ही अभी आपको पता है कि पावर और एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हो कि डिग्री के ऊपर अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टू टू जा फोर, तो ये हुआ फोर एक्स रेज टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। नाउ सी इन फर्स्ट टर्म द पावर ऑफ अ टर्म इज फोर, इन सेकेंड टर्म पावर क्या है थ्री, इन थर्ड टर्म पावर क्या है टू, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स जीरो। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी फोर, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज फोर। आई होप आप सब समझ चुके होंगे अभी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वन मोर कंडीशन, वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलीनोमियल और नॉट। उसके लिए एक ही कंडीशन है, जैसे कि हम कहीं पे भी जाए ना तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पॉलीनोमियल का एक रूल है कि द पावर ऑफ पॉलीनोमियल कांट बी नेगेटिव और इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। पॉलीनोमियल का पावर कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x रेस टू माइनस 4 प्लस 7x प्लस 9। सी इन दिस एक्सप्रेशन टर्म्स भी है, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, बट एक चीज़ जो गलत है वो क्या है इसका पावर। पावर किस में है नेगेटिव में, जो पॉलीनोमियल में कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 2। जैसे कि आपको पता है रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं 3x रेस टू 1 बाई 2 प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर। सो इन दिस टर्म x का पावर क्या हुआ 1 बाई 2। तो पॉलीनोमियल में कभी पावर ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। तो जब भी आपको इस हिसाब से कोई इक्वेशन दिया हो तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलीनोमियल, द पावर ऑफ पॉलीनोमियल इज ऑलवेज इन अ होल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिखा है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सी यहाँ पे जो भी पावर है वो सब होल नंबर में है तो इट इज अ पॉलीनोमियल। बट सी इन अनदर एग्जांपल x प्लस 1 अपॉन x, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x का पावर होल नंबर है, बट आप सबको पता ही है कि जब भी x डिनोमिनेटर में हो और अगर हम उसको न्यूमेरेटर में लेके जाते हैं तो x प्लस x का पावर क्या हो जाता है माइनस, सो इट इज नॉट वैलिड बिकॉज इट बिकम्स अ माइनस। तो कभी भी आपको ऐसे देख के डायरेक्टली लिख नहीं देना है इट इज़ अ पॉलीनोमियल, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है देन यू हैव टू राइट द आंसर। सो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। नाउ थर्ड एग्जांपल, सी इन फर्स्ट टर्म द पावर ऑफ अ टर्म इज माइनस 3, इट इज नॉट पॉसिबल सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीनोमियल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू डिग्री देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, आपको ये 10th स्टैंडर्ड में अभी तीन टाइप्स ही पढ़ने हैं। फर्स्ट लीनियर पॉलीनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। डिग्री, डिग्री मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलीनोमियल, तो जो भी इक्वेशन में जो भी पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर वन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीनोमियल दिया है उसका मैक्सिमम पावर क्या है एक्स रेस टू वन, तो ये क्या हुआ लीनियर पॉलीनोमियल। इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल भी टू, जो भी पॉलीनोमियल में हाईएस्ट पावर टू होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल, जैसे कि आपको पता ही है 2x रेस टू क्यूब, क्यूब के नाम पे से इसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो जो भी पॉलीनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। नाउ अनदर टाइप्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल,
जो भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही टर्म दिया हुआ है हमें 2x2, यहाँ पे ओनली वन टर्म 7x, हियर ओनली वन टर्म 4x, तो जो भी पॉलिनोमियल में ओनली एक ही टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। देन सेकेंड बाइनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हमें दिए हुए हो, जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है 2x और 3, 5x2 और 9, सो इट इज बाइनोमियल। एंड लास्ट वन ट्राइनोमियल, नाम पे से ही आपको पता चल गया, ट्राई मीन्स जो भी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल।